हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। तो जो ये वीडियो होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, तो आप जिस भी तरह से पढ़ते हो आप दोनों इन वीडियो को देख सकते हैं। बात करेंगे आज हम 30 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में, एचपी प्लस नेशनल, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वॉन बाय द प्लेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नेशनल गेम्स 2019। जो नेशनल गेम 2019 हुए थे उसमें हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते। सबसे पहले जो नेशनल गेम्स हुए थे वो जालंधर में हुए थे, ठीक है, और इसमें हिमाचल के खिलाड़ियों ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो जीते हैं आपके 7, यानी कि सही आंसर जो है वो 4th है। इसके अलावा 2 जो है सिल्वर मेडल जीते गए हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, ठीक है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। टोटल जो है 9 स्टेट्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी कि 9 राज्यों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोबोटिक लेबोरेटरी इज बीइंग सेट अप इन द स्कूल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले के स्कूल में एक रोबोटिक प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की जा रही है, ठीक है, ताकि जो शिक्षा का स्तर है उसको और ऊंचा किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th, शिमला, ठीक है। शिमला के जो है रोहड़ू में इस प्रयोगशाला को स्थापित किया जा रहा है, हिमालयन पब्लिक स्कूल में। इसके लिए अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो वो रखा गया है 20 लाख रुपए, ठीक है, जिसकी पहली किस्त जो है 12 लाख रुपए स्कूल को दे दी जा चुकी है, ठीक है। किसकी हेल्प से जो ये है वो स्थापित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है आपका नीति आयोग की सहायता से, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब ये जो नीति आयोग है ये आपका आता है पॉलिटी सेक्शन के अंदर, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए नीति आयोग को जो फॉर्मेशन, यानी कि कब इसको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 2015 में 1 जनवरी, ठीक है। इससे पहले नीति आयोग को जो है वो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, यानी कि पहले ये जो था वो योजना आयोग था, और योजना आयोग आपका बना था 15 मार्च 1950 को, 1950 को। 2014 में ये घोषणा की गई थी कि योजना आयोग को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर जो है 2015 से नीति आयोग को शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नीति आयोग, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। चेयरमैन की बात करें, ठीक है, इसके मेन पर्सन जो है वो 3 होते हैं। एक तो चेयरमैन हो गए, चेयरमैन इसके जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। फिर आते हैं आपके वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो इसके हैं वो है राजीव कुमार, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके जो पूछे जाते हैं नए सीईओ कौन है, ठीक है, वो है अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये 3-4 पोर्शन जो है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए नीति आयोग के बारे में, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच डॉक्टर ऑफ आईजीएमसी रिसेंटली रिसीव द अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी सर्विस अवार्ड। आईजीएमसी के किस डॉक्टर को हाल ही में ही अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी सर्विस अवार्ड मिला है, ठीक है। 4 यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं जिसका आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1st, डॉक्टर जितेंद्र मोक्टा, ठीक है। यहां पर एक 3rd नाम है डॉक्टर उमेश भारती, ठीक है। ये नाम आपके करंट अफेयर के वे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर उमेश भारती को इस बार जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगर आपको पता होगा पद्मश्री से क्यों इनको सम्मानित किया गया था, रेबिस मेडिसिन के लिए, और एक और को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, वो है अजय ठाकुर, कबड्डी प्लेयर, ठीक है। तो ये 2 नाम आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। बात करें अगर जितेंद्र मोक्टा की, तो इंडोक्राइन हेल्थ में बेहतर सेवाओं के चलते इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है, और ये कहां का है, ये बिलोंग करते हैं जुब्बल से। इसके साथ साथ ये पहले भारतीय हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इससे पहले पिछले साल जो है इनको अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बट आपको याद रखना है रिसेंटली जो अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्री हैज बैंड कवरिंग ऑफ द फेस विद वेल्स, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई ने बुरके से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2nd, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ने जो है वो बैन कर दिया है, यानी कि आप किसी भी तरह से बुरके से या किसी और तरीके से चेहरे को वहां पर नहीं ढक सकते। इसका मेन रीजन क्या है कि आपको पता है 20 अप्रैल को जो है वहां पर आत्मघाती हमले हुए थे, जिसमें जो थी एक महिला भी इंक्लूड थी जिसने अपना चेहरा जो था बुरके से ढका हुआ था। तो उसी के बाद से इस पर विचार चल रहा था कि जो है अपने श्रीलंका में जो है बुरकों को बैन कर दिया जाएगा, चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा महिला के, और ऐसा ही जो है फाइनली हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट ने ये घोषणा की थी, तो प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के, वो है आपके मैत्रीपाला, ठीक है, सिरिसेना।
तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी हैज साइंड एन एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी टू बिल्ड 4 अंडरग्राउंड टनल्स अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स फॉर स्टोरेज ऑफ एम्युनिशन। भारतीय सेना ने गोला बारूद के भंडारण के लिए चीन और पाकिस्तान सीमाओं के साथ 4 भूमिगत सुरंगों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जिसको आप बोल सकते हैं NHPC। ठीक है, NHPC की अगर बात करें तो इसको फाउंडेड किया गया था 1975 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका फरीदाबाद में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए। और नेक्स्ट आता है आपका चेयरमैन कौन है इसके, तो इसके जो चेयरमैन है वो है बलराज जोशी। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज आप NHPC के बारे में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग बॉलीवुड पर्सनैलिटी वॉज अवॉर्डेड विद लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2019। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम पुरस्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट सलीम खान। ठीक है, सलीम खान सलमान खान जो एक्टर है उनके फादर, तो इनको जो है ये क्या है एक स्क्रिप्ट राइटर है, इनको ये अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ जो है इनको हेलेन आपने सुना होगा, ठीक है, जो डांसर है उनको भी ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन टीम हैज वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019। भारतीय टीम ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 16। ठीक है, और आई थिंक इसमें 8 गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बोला कि फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन वुमन साइंटिस्ट टू बी सिलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी लंदन। प्रतिष्ठित जो रॉयल सोसाइटी है लंदन के साथी के रूप में चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बन गई है। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो है गगनदीप कांग। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। कफला सिस्टम इज सेट टू बी एबोलिस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, कफला सिस्टम जो है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा समाप्त किया जाना है या किया जा रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है कतर। ठीक है, ये कफला सिस्टम जो रिलेटेड है वो आपके वीजा से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो अगर आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हो, बट इतना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ याद रखिएगा कौन से देश के द्वारा खत्म किया गया है, तो वो किया गया है आपका कतर के द्वारा। कतर की कैपिटल की बात करें तो वो है आपकी दोहा, और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो वो है कतरी रियाल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, करेंसी और कैपिटल। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।